दोस्तों आज हम जानेंगे आउटपुट के बारे में कि आउटपुट क्या होता है, आउटपुट कौन सा डिवाइस होता है, इसकी परिभाषा भी जानेंगे और उदाहरण भी जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा है आउटपुट, इंग्लिश में भी लिखा हूँ और हिंदी में भी लिखा हूँ। आउटपुट की परिभाषा यहाँ पर लिखा गया है। इस परिभाषा को समझने के लिए सबसे पहले एक जो है रूल्स को समझना होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई कंप्यूटर रखा गया है, यहाँ पर मान लीजिए कि ये कंप्यूटर है और यहाँ पर एक आदमी है, ठीक है। ये कंप्यूटर, जब ये आदमी जो है इस कंप्यूटर को इनपुट देगा, यहाँ पर इनपुट, ये आदमी क्या कर रहा है, कंप्यूटर को इनपुट दे रहा है और इनपुट देने के बाद ये कंप्यूटर जो है क्या करता है, यहाँ पर प्रोसेस कार्य करता है, प्रोसेसिंग जरूर करेगा, बिना प्रोसेसिंग के आउटपुट नहीं देगा। जब ये प्रोसेसिंग कर लेता है ना, तब यहां पर क्या करता है, आउटपुट देता है, ये वाला चीज। तो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट है, ये जब इनपुट देगा तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग करके आउटपुट देगा। तो यहां पर समझो आउटपुट की परिभाषा क्या होती है। आउटपुट इनपुट और प्रोसेसिंग के बाद का स्टेप है। ये इनपुट हो गया, ये प्रोसेसिंग हो गया, इनपुट और प्रोसेसिंग के बाद क्या आता है, ये आउटपुट आता है। इसको ध्यान में रखना होगा, जहां हम अपना आउटपुट जान सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस, मान लीजिए कि ये आदमी आप ही हैं, ये कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हो, इनपुट क्यों दिया जाता है कंप्यूटर को, इसलिए कि उससे आउटपुट जान सके। तो दोस्तों यहां पर जो है लिखा गया है कि जहां हम अपना आउटपुट जान सके, यदि आप कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हो तो उसे आउटपुट जानने के लिए ही दे रहे हो। और दोस्तों यहां पर लिखा है जो आपके द्वारा कंप्यूटर को दिया गया होता है। यदि आप इनपुट दे रहे हो तब भी वह आउटपुट ही देगा। तो दोस्तों ये हो गया आउटपुट की परिभाषा। आउटपुट इनपुट और प्रोसेसिंग के बाद का स्टेप है, जहां हम अपना आउटपुट जान पाते हैं जो आपके द्वारा कंप्यूटर को दिया गया होता है। अब यहां पर जानते हैं कि आउटपुट डिवाइस क्या होती है। यहां पर मैंने परिभाषा इसका भी लिख दिया है, हालांकि मुझे सब चीज याद है, ये आप लोगों को बस इसलिए लिख करके समझा रहा हूं कि लिखा हुआ चीज कभी भूल नहीं सकते और चाहोगे तो आप याद भी कर सकते हो। और दोस्तों यहां पर आउटपुट डिवाइस के रूप में मैंने क्या लिखा है, पहले ये समझ लीजिए, आपके द्वारा कंप्यूटर को इनपुट देने के बाद आउटपुट जिस डिवाइस के द्वारा देखे जाते हैं या देखते हैं उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि ये हो गया, ये आप हो गया, इनपुट कंप्यूटर को दिए, कंप्यूटर जो है प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट निकाला। ये आउटपुट अब किस पर देखोगे, मॉनिटर पर, इस पर ही ना देखोगे। मॉनिटर का तात्पर्य एलईडी टीवी, जैसे जैसे टीवी ही हो गया मान लो, तो टीवी पर ना देखोगे, कुछ भी कोई भी चीज आएगा तो टीवी पर देखोगे। तो ये हो गया आउटपुट, स्पीकर इसमें आता है, यहां पर मैंने लिखा है लेकिन इसको बाद में समझाऊंगा। तो यहां पर देख लीजिए अब आउटपुट क्या करेगा, यदि आउटपुट देखना है आपको तो इस पर देख सकते हो, प्रोजेक्टर पर देख सकते हो, प्लॉटर पर देख सकते हो, ऐसे बहुत सारे हैं जिस पर आप अपना आउटपुट देख सकते हो। वीडियो में एंड तक बने रहोगे तो सारी चीज मालूम चल जाएगा कि आउटपुट क्या होता है, कैसे काम करता है। और दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा है आउटपुट डिवाइस कितने होते हैं। दोस्तों अभी के तत्काल डेट में मैंने 5 ही आउटपुट पढ़ा है और आप लोगों को भी वही सिखा रहा हूँ। आउटपुट 5 होते हैं और पहले नंबर पर आता है मॉनिटर। मॉनिटर सबसे ज्यादा जरूरी होता है। मॉनिटर क्या होता है, मैं एक वीडियो इसी पर केवल बनाऊंगा, एक वीडियो। अगले वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जो इस पिछले वीडियो में बताया था, तो ये आउटपुट आ गया। इसके बाद एक और भी स्टेप आएगा जिसका नाम है प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग, उसके बाद आएगा स्टोरेज, इसी में रैम और रोम आता है, वो सारा चीज बताऊंगा। उसके बाद आपको शुरू से लेकर के इनपुट,
अर्थात माउस कीबोर्ड जो है कीबोर्ड जितना सारा चीज है उसके बारे में पूरी तरह जानकारी भी दूंगा। दोस्तों आउटपुट पांच होते हैं, पहले नंबर पर आता है मॉनिटर और दूसरे नंबर पर आता है प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है और ये क्यों जो है आउटपुट होता है, मॉनिटर क्या होता है क्यों आउटपुट होता है। दोस्तों जब आप टीवी को निर्देश देते हो कि कौन सा कैसेट चलाना है तो वो क्या करता है, आउटपुट एलईडी पर दिखाने लगता है। एलईडी पर क्या करेगा, दिखाने लगेगा मॉनिटर। तो जो चीज दिखाता है आपको वो हो गया आउटपुट, जो नहीं दिखाता है निर्देश देता है वो हो गया इनपुट। और दोस्तों यहां पर जो है मॉनिटर हो गया आउटपुट। अब प्रिंटर क्यों आउटपुट है, क्योंकि कॉपी करने जाते कोई भी चीज, आधार कार्ड का कॉपी करा लो, जिरक्स करा लो, जिरक्स करके देता है तो तुम देखते हो ना, जो चीज देखने को देता है वो चीज है आउटपुट। ठीक उसी प्रकार आता है प्रोजेक्टर। आप प्रोजेक्टर पर्दे पर चलाते हो, कोई भी टीवी हो गया, फिल्म हो गया या कोई भी चीज प्रोजेक्टर पर जब चलाते हो गया आउटपुट, क्योंकि उससे तुम क्या कर रहे हो, देख रहे हो, ये हो गया आउटपुट। यहां पर प्लॉटर भी है, ये भी हो गया आउटपुट, इस पर भी चित्र वगैरह निकाल करके देखा जा सकता है। स्पीकर हो गया, ये सुनने को देता है। तो दोस्तों ये हो गया आउटपुट। एक बार फिर से समझ लेते हैं, आउटपुट इनपुट और प्रोसेसिंग के बाद का स्टेप है। यहां पर यदि समझ में नहीं आ रहा है आपको तो ये चीज आप लोगों को फिर से एक बार समझा दे रहा हूं। देखिए यहां पर मान लीजिए कि ये हो गया कंप्यूटर, सॉरी इसको थोड़ा इस तरह कंप्यूटर ही बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये हो गया कंप्यूटर, ठीक। उसके बाद यहां पर कोई मान लीजिए कि मनुष्य है, यहां पर मैंने दो आंखें केवल लगा दे रहा हूं बस, ये मान लो कि ये मनुष्य हो गया, ये जो दे रहा है इसको इनपुट देगा, क्या देगा, इनपुट। जब ये इनपुट देगा तो ये क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा सबसे पहले। तो यहां पर हो जाएगा ये क्रिया प्रोसेसिंग। जब ये प्रोसेसिंग कर लेगा पूरी तरह से तब ये क्या करेगा, आउटपुट देगा। यहां पर हो गया, लेकिन ये आउटपुट जब ये प्रोसेसिंग करने के बाद ये जब आउटपुट देगा तो ये आउटपुट किस चीज पर देखा जाएगा, मॉनिटर। ये जब मैन यहां से कंप्यूटर को निर्देश देगा, इनपुट देगा, तो ये प्रोसेसिंग करने के बाद आपको आउटपुट देगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।